जल कितना है और स्थल कितना है, फिर महासागरीय नितल का मतलब जो महासागर की का जो बॉटम है, ठीक है, महासागर का जो बॉटम है, पानी के नीचे जो धरातल है, ठीक है, उसको हमें पढ़ना है कि वह किस प्रकार का है, मतलब पूरा महासागर की संरचना पढ़ लेनी है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक विश्व का मैप बनाते हैं, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, ये थोड़ा सा ज़्यादा चिपक गया लग रहा है, ठीक ना। चलो देखते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे, क्या ये है महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, ठीक, ये दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका और ये एशिया, ये वाला भाग क्या कहलाता है, यूरोप, और ये आपका है ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका, ठीक, ये चीज़ें हैं। तो फटाफट हम लोग इसको देखते हैं, ये इधर का जो महासागर है ये कौन सा है, प्रशांत महासागर, ये कौन सा है, अटलांटिक महासागर, ठीक, इसी को आंध्र महासागर भी बोलते हैं, यह एस आकार का है, और ये है आपका इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, और ये भी क्या है, प्रशांत महासागर, ठीक ना, प्रशांत महासागर है। तो इस प्रकार से हम लोग कितने देखते हैं, एक दो तीन, और ये आर्कटिक महासागर यहाँ है, आर्क आर्कटिक महासागर, ठीक। तो इस प्रकार से कुल मिला जुला करके चार महासागर हमने देखे, ठीक ना, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। यहाँ पर कभी कभी हम दक्षिणी महासागर भी पढ़ते हैं, तो इस तरीके से पांच हो जाता है, ठीक है, साउदर्न ओशियन। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जो हिंद महासागर है आप देख रहे हैं इधर प्रशांत महासागर से मिलता है, और इधर अटलांटिक महासागर से यहाँ मिल जाता है, और यहाँ पर दक्षिणी महासागर से मिल रहा है, ठीक ना। तो दक्षिणी महासागर का कॉन्सेप्ट बस बना दिया गया है, वास्तव में वो हिंद महासागर और इन सब का कंबाइंड रूप है। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। अगर हम बात करें पूरी पृथ्वी की, तो पूरी पृथ्वी पर हम जानते हैं, ठीक है, कि 71% क्या है, स्थल है, ठीक, सॉरी 71% क्या है, जल है, और 29% क्या है, स्थल है, यही हम लोग जानते हैं, ठीक ना। क्रूमेल नामक एक विद्वान हुए थे, कौन, क्रूमेल, नोट कर लीजिएगा उसको, क्रूमेल विद्वान के अनुसार, ठीक है, पृथ्वी पर कितना है, 70.8% क्या है, जल है, ठीक, और 29.2% क्या है, स्थल है, ठीक ना। तो ये क्रूमेल महोदय ने बताया था, तो आप इस बात को क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो आगे यहाँ पर अब और आगे क्या ध्यान देना है, ध्यान दीजिए, अगर हम अपने पृथ्वी को, ठीक है, जो ग्लोब होता है, ग्लोब का अगर हम पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल बताएं कि कितना है, मतलब पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, तो जितना भी मेजर किया गया है अब तक वो है लगभग आपका 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ठीक, पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, ठीक ना, पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल, ठीक। इसी में से हमारे प्यारे भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इतने में से ही,
तो अब यहाँ से 51 वर्ग करोड़ किलोमीटर क्या है, पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल है। तो यहाँ से हमें देखना है क्या कि अब इसमें 71% क्या है, जल है। तो आपका यहाँ से लगभग 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर जो है किमी स्क्वायर, 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्या हो जाता है, ये जल का भाग हो जाता है। और यहाँ से लगभग 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्या हो जाता है, स्थल हो जाता है। और इसी स्थल पर सब कुछ विद्यमान है। क्लियर। हम अपने पृथ्वी के मॉडल ग्लोब को दो भागों में बांटते हैं। विषुवत रेखा से जो ऊपर का क्षेत्र होता है वह उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा से नीचे का जो क्षेत्र होता है वह होता है दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझना है सबसे पहले कि यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करें, विषुवत रेखा खींचे, यहाँ से अगर हम क्या खींचते हैं, विषुवत रेखा खींचते हैं, ठीक ना, इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक। तो विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में हम देखते हैं कि मैक्सिमम बहुत ही, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या पड़ रहा है, स्थलखंड पड़ रहा है। और विषुवत रेखा से नीचे दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा से ज़्यादा क्या पड़ रहा है, जलखंड पड़ रहा है। मतलब उत्तरी गोलार्ध में महासागर कम है, महाद्वीप ज़्यादा है, और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर ज़्यादा है, महाद्वीप कम है। ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं ना। यहाँ से क्या करना है आपको, एक चीज़ समझना है। अगर हम बात करेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ध्यान दीजिएगा 54%, ठीक है, क्षेत्रफल पर क्या है, स्थल है। ठीक। और 46% क्षेत्रफल पर क्या है, जल है। ये नॉर्दर्न की बात हो रही है। अगर हम साउदर्न की बात करें, दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, तो दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक ना, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, स्थल केवल 19% भाग पर ही है, और 81% भाग पर क्या है, जल है। तो क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। तो जो भी चीज़ है आपको उसको आंकड़ों के साथ, डेटा के साथ आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक ना। तो आगे देखिए, एक बार और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि अब तक हमने क्या बताया। समझिए, पूरी पृथ्वी पर 71% जल और 29% क्या है, स्थल है। ठीक है, ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार। लेकिन क्रूमेल महोदय ने बताया कि 70.8% क्या है, जल है, और 29.2% क्या है, स्थल है। ये बताया क्रूमेल विद्वान ने। अब हमने आपको कहा कि पूरी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में 71% के अनुसार, ठीक है, जो जल होगा वह 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर का होगा, जलखंड का एरिया, और जो स्थल होगा वह 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर का एरिया होगा। ठीक है, आपके 29% के हिसाब से, ठीक ना। अब हमने आगे आपको बताया है कि उत्तरी गोलार्ध में महासागर कम है, महाद्वीप ज़्यादा हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर ज़्यादा हैं, महाद्वीप कम है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, जो स्थलखंड है वह पूरे उत्तरी गोलार्ध का 54% है, और जलखंड 46% है। लेकिन अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो साउदर्न हेमिस्फेयर में दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, 19% ही स्थल है और 81% जल की मात्रा है। ठीक। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि बताइए, एक हमें वृत्त खींचना हो दक्षिणी गोलार्ध का, ठीक है, जो बाहर बाहर क्या करे, महाद्वीपों के बाहर बाहर केवल अपने अंदर वो महासागरों को समाहित करे, तो उसका केंद्र क्या होगा। अगर किसी केंद्र पर हम प्रकार रख करके ग्लोब पे या वर्ल्ड मैप पे हम अगर एक क्या करें, सर्कल खींचें, वृत्त खींचें, तो क्या होगा, उसका केंद्र क्या होगा जो पूरे महासागर को कवर करे, तो उसका केंद्र होगा कौन, न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड के पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा वह केंद्र क्या होगा, हाँ, न्यूजीलैंड का पूर्वी हिस्सा। वहाँ पर अगर हम प्रकार की नोक रख के और पूरा वर्ल्ड मैप पर एक वृत्त खींच देंगे तो महाद्वीपों के बाहर बाहर वह पूरे जलमंडल को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो इतने में ये सारी चीज़ें हैं। ठीक। तो इसके बाद हम लोग को क्या जानना है, इसके बाद हम ये जानेंगे कि
जो जब हम महाद्वीपों से महासागरों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जो कि हमें मुख्य रूप से यही पढ़ना है, जब हम महाद्वीपों से महासागरों की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ आता है, महाद्वीपीय मग्न तट आते हैं। उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है, महाद्वीपीय मग्न ढाल आते हैं, फिर घन सागरी मैदान आते हैं, फिर सागरी गर्त आते हैं, ठीक ना। और इन गर्तों में या इन सागरी मैदानों में या इन महासागरों में क्या होता है, कटक पाए जाते हैं, कैनियन पाए जाते हैं, कंदराएँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज़ों को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है यह लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर का है। दूसरे नंबर पर जो आता है वो अटलांटिक महासागर है, जो अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल है वो 8.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे हिंद महासागर की, जो हिंद महासागर है वह लगभग 7.2 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है। तो हमें जो पढ़ना है मुख्य रूप से वह ये तीन महासागर ही पढ़ने हैं, ठीक। एक चौथा भी हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे आसानी रहेगा, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक ना। अगर हम बात करें कि महासागरों की औसत गहराई कितनी है, अगर कुल महासागरों की औसत गहराई आपसे पूछे तो वह है 3800 मीटर, ठीक ना। किसकी, महासागरों की औसत गहराई, और जो 840 मीटर है वह किसकी है, स्थल की औसत ऊंचाई, जो स्थल खंडों की जो औसत ऊंचाई है वह 840 मीटर है, और कुल महासागरों की जो औसत गहराई है वह 3800 मीटर है, ठीक ना। अगर हम गहराई के बात करेंगे तो प्रशांत महासागर की जो औसत गहराई है, जो औसत गहराई है वह 4500 मीटर है, ठीक, 3800 मीटर है। उसके बाद हिंद महासागर की जो औसत गहराई देखने को मिलती है वह 4000 मीटर है, ठीक है। अगर हम आर्कटिक महासागर की औसत गहराई देखेंगे तो यह 1280 मीटर है। ये डाटा आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्लियर। तो याद करने के लिए कुछ नहीं है, आपको बस इसको क्या करना है, रिवीजन करते रहना है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक ना। एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर, अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल 8.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर, हिंद महासागर का क्षेत्रफल 7.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो जो महासागरों की जो औसत गहराई है वो 3800 किलोमीटर, और औसत ऊंचाई जो है वह 840 किलोमीटर। औसत का मतलब समझ लीजिए कि महाद्वीप और महासागर, जलखंड और स्थलखंड, हर जगह एक समान नहीं है, कहीं पर बहुत ज़्यादा ऊंचा है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा गड्ढा है। जैसे पृथ्वी पर सबसे ऊंची जगह कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, वो 8850 मीटर ऊंची है। अब पृथ्वी पर सबसे गहरा गड्ढा अब तक का कौन सा पता किया गया है, ठीक है, चैलेंजर गर्त, मेरियाना ट्रेंच, जो प्रशांत महासागर में है, 11000 मीटर नीचे, ठीक है, मतलब 11 किलोमीटर गहराई है उसकी, समझ गए। तो गहराई और ऊंचाई हर जगह बराबर नहीं होती है, ठीक ना, कहीं पर बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ होता है तो कहीं पर सपाट होता है, कहीं पर पहाड़ पाए जाते हैं तो कहीं पर और नीची जगह पाई जाती है। तो इन सब का एक एवरेज लिया जाता है, ठीक है, एक औसत लिया जाता है सबको मिला करके। बताइए कि अगर हमको एक समान रूप से बताना होगा कि स्थलखंड कितने ऊँचे हैं समुद्र तल से, तो वह है 840 मीटर, और महासागर कितना गहरा है समुद्र तल से, तो वह है 3800 मीटर।
इन सब के अलावा जब हम अलग अलग महासागरों की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग औसत गहराई निकल करके सामने आती है, जिसमें प्रशांत महासागर की औसत गहराई 4500 मीटर, अटलांटिक महासागर की औसत गहराई 3800 मीटर, हिंद महासागर की औसत गहराई 4000 मीटर और आर्कटिक महासागर की औसत गहराई जो है 1280 मीटर है। ठीक, अब जब हम महाद्वीप से महासागर की ओर चलते हैं, किधर चलते हैं, तो सबसे पहले जो पड़ता है वह पड़ता है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वह है महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक, महाद्वीपीय मग्न तट है, ठीक ना। उसके बाद दूसरा है वह क्या है, महाद्वीपीय ढाल है, ठीक है, मग्न ढाल, महाद्वीपीय मग्न ढाल। ठीक, उसके बाद जो तीसरा है वह है गहन सागरीय मैदान। ठीक, उसके बाद जो चौथा है वह है सागरीय गर्त। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में आपको ये चारों ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि क्रम से लगाइए कि महाद्वीपों से चलने पर, महाद्वीपों से चलने पर क्रम से लगाइए कि कौन पहले पड़ेगा कौन बाद में पड़ेगा, तो आप ये क्रम याद रखिएगा। ठीक ना, एक डायग्राम आपको यहाँ से बनाते हैं जिसको समझ लेते हैं। ये तो है महाद्वीप, ठीक ना, ये क्या है, महाद्वीप है, लेकिन यहाँ से ये क्या है, महासागर है, ठीक ना, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक ना, ठीक है, तो इस बात को आप समझिए, ये क्या है, ध्यान से इसको समझना है। ठीक ना, ये है आपका महासागर और ये जो था वो है महाद्वीप। ठीक, ये है महासागर और ये है महाद्वीप, कोई दिक्कत नहीं, समझिए। यहाँ से जब महाद्वीपों से हम सागर की तरफ चलते हैं तो जो सबसे पहला पड़ता है वह है महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक ना, वो ये वाला इलाका है, यहाँ से ये वाला इलाका, ये इतना इलाका क्या पड़ता है, महाद्वीपीय मग्न तट पहला इलाका। ठीक, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये जो ढाल हमें दिख रही है, स्लोप, मतलब यहाँ से महासागर अब गहरा हो जाता है, तो यह जो है कि दूसरे नंबर वाला है, कौन, महाद्वीपीय मग्न तट है। क्लियर, ये चीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ से जो ये मैदान आपको दिख रहा है यह तीसरे नंबर वाला है, ठीक, गहन सागरीय मैदान इसी को बोलते हैं। महासागरों की पेंदी भी क्या होती है, जो नीतल होता है वह जो समतल की भूमि की तरह महासागर के अंदर भी है, तो उसी को क्या बोलते हैं, महासागरीय मैदान। ये पूरा क्या है, जल से भरा हुआ है, बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत आपको नहीं। अब समझिए क्या है कि ये जो महासागरीय मैदानों में जो और नीचे खाइयाँ होती हैं, डीप ओशियंस, जो गर्त होते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं, ये चौथे नंबर वाला है। ठीक, तो ये क्या है, मग्न तट, मग्न तट, ये क्या है, ढाल, ये क्या है, मैदान, और ये क्या है, गर्त। कभी कभी क्या होता है कि कुछ हमें महासागरों के अंदर भी कटक दिखाई देते हैं, पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, ठीक है, महासागरों के अंदर भी क्या होती हैं, पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं जो बहुत लंबी लंबी पर्वत श्रेणियों की तरह होती हैं, तो इन्हीं पहाड़ियों को क्या बोलते हैं, कटक बोलते हैं, रिज बोलते हैं। ठीक, बस मेरी, जैसे अटलांटिक ओशियन में मिड अटलांटिक रिज, अटलांटिक ओशियन में क्या है, मिड अटलांटिक रिज है जो बहुत आगे तक गया हुआ है, ठीक है, पूरा यश के आकार का गया हुआ है। ठीक,
तो ये क्या है, कटक है। यही कटक जब विस्तृत होते हैं ऊपर तक चले जाते हैं तो ऊपर ये क्या बनाते हैं, आइलैंड बनाते हैं, द्वीप बनाते हैं, ठीक ना। अब बात समझिए, जो जहाज़ चलते हैं समुद्रों में तो क्या यह इस कटक से या नहीं टकरा जाएंगे, टकरा जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें अटलांटिक ओशियन की, तो ऐसे एस आकार का है, ठीक ना। अटलांटिक ओशियन देखिए बनाते हैं, अटलांटिक ओशियन को देख लेते हैं हम लोग बना करके, तब थोड़ा सा समझने में क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से ये चीज़ क्या करनी है, ध्यान देनी है, ठीक। देखिए ये क्या है, अटलांटिक ओशियन है, इसमें जो कटक गया है, ठीक ना, ये एस आकार का कटक गया है, इस प्रकार से कटक है। तो जहाज कोई भी हो, महासागरों में जो जहाज़ों का रास्ता होता है वो भी निर्धारित होता है। ये नहीं है कि व्यापारिक जहाज़ें, भारी भरकम जहाज़ें किसी भी आकार से चलेंगी, मतलब किसी भी तरह अंधाधुंध जा रही हैं, ऐसा भी नहीं है। बात समझ में आ रही है, ऐसा नहीं है। रास्ता बनाया गया होता है निर्धारित कि ये देखो यहाँ पर कटक नीचे है, यहाँ पर आपकी एंट्री हो सकती है, यहाँ से इधर एंट्री हो सकती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इधर से आवागमन हो सकता है, क्लियर हुआ। तो अभी कटक को बताएंगे कि किस महासागर में कौन सा कटक स्थित है, ठीक ना। फिलहाल अभी आगे की चीज़ें समझ लेते हैं। तो कटक समझ में आ गया ये, ठीक ना। अब देखिए, अच्छा हमने बात किया महाद्वीपीय मग्न तट की, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि महाद्वीपीय मग्न तट का निर्माण किस प्रकार से होता है, मतलब ये तट बनते कैसे हैं, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, महाद्वीपीय मग्न तट के बनने पर विभिन्न विद्वानों के मतों में भेद है। वह भेद क्या है, कुछ विद्वान यह मानते हैं कि जब महाद्वीप से, महाद्वीपों से नदियाँ जब समुद्रों में जाती हैं तो अपने अवसाद को ले जाके छोड़ती हैं, ठीक है, अपने अवसाद को क्या करती हैं, ले जाके छोड़ती हैं, तो धीरे धीरे महाद्वीपीय मग्न तट का निर्माण हो जाता है, ठीक। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि ऐसा नहीं है। विद्वानों का यह मानना है कि जब समुद्र का तल कभी कभी पानी कम हो जाता है, नीचे चला जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यह क्या है, ढाल है, तट नहीं था, क्या है, ढाल है, खड़ी ढाल है। तो अब यह पानी है, पानी पहले यहाँ था लेकिन यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पे आ गया तो ये क्या करता है कि इसको अपरदन करना शुरू कर देता है। तो अपरदित करते 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 ये धीरे धीरे जब लहरें आती हैं तो इस प्रकार का फिर ये तट बना लेता है। तो यही हो जाता है कौन, महाद्वीपीय मग्न तट। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि ऐसा भी नहीं है, ठीक है। जब अवसाद ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो वह ज़मीन क्या होती है, जैसे यहाँ पर अगर नदियों का अवसाद ज़्यादा हो गया तो यह धस जाएगा, तो धस के थोड़ा सा ढाल, मतलब कम ढाल वाला बन जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि महाद्वीपीय मग्न तटों का, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का निर्माण होता है, ठीक ना। कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि ऐसा भी नहीं है। प्लिस्टोसिन काल में, प्लिस्टोसिन काल में जब हिमयुग आया था तो उस हिमयुग में क्या हुआ कि जब महाद्वीप, जब ये समुद्र थे तो इनका अवतलन हो गया, तो यह क्या हुई, नीचे चले गए। बात समझिएगा, विद्वानों ने क्या कहा कि प्लिस्टोसिन काल में जब हिमयुग आया, उससे पहले जो समुद्र थे वो ढाल में ही थे, महासागर थे वो ढाल में ही थे। हिमयुग आया, चारों तरफ बर्फ की चादर बिछ गई, जब वही बर्फ पिघला तो फिर समुद्र में पानी गया, महासागरों में जल गया, और वह तल फिर ऊपर आ गया, तो वो खुद ऊपर आ करके महाद्वीपीय मग्न तट का निर्माण कर दिया। उससे महाद्वीपों के ऊपरी भाग क्या हुए, डूब गए समुद्र के ऊपर उठने से। बात समझ में आ रही है। तो विभिन्न मतभेद हैं, ठीक ना, विद्वानों के मत में। तो इस प्रकार से इसका निर्माण हो सकता है, ठीक है, न किसी का सही है और न किसी का गलत है। अब भाई कोई था तो नहीं वहाँ पे, ठीक है, कि बताएगा, हम बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहाँ पे था, ठीक है। ऐसा पढ़ा जाता है, बताया जाता है, ठीक ना, अनुमान लगाया जा सकता है किसी भी चीज़ का। बात समझ में आ रही है। चलिए आइए देखते हैं। तो इसके बाद फिर अब ये चीज़ आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेगा, इसका क्रम पूछ सकता है कि कौन सा क्रम किसके बाद है, ठीक है। पहले गण सागरी मैदान आते हैं कि पहले ढाल आते हैं कि पहले गर्त आते हैं, तो ये बात आपको क्या करनी है, उसमें ध्यान देना है, ठीक है।
अब अगर हम ढाल की बात करेंगे तो महाद्वीपीय मग्न तट की जो ढाल होती है वह 1 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री तक होती है, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो इनकी गहराई होती है वो 100 फैदम होती है, इसको आप नोट कर लेंगे। महाद्वीपीय मग्न तटों की ढाल कितनी होती है? 1 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री तक, और इनकी गहराई कितनी होती है? 100 फैदम होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल की। तो जो इनका ढाल होता है वह 5 डिग्री तक का होता है, और इनकी जो गहराई होती है वह 200 फैदम से लेकर के आपका जो है कि 2000 फैदम तक हो सकती है। ठीक है, अगर किलोमीटर में अगर हम लोग इसको बात करेंगे तो 200 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक की गहराई होती है, किसकी? महाद्वीपीय मग्न ढालों की। अब देखिए यहाँ पर जितना गहराई है यहाँ पर उससे ज़्यादा ना गहरा है, यहाँ पर गहराई जितनी है उससे ज़्यादा गहराई यहाँ की है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे लिखा जाता है 200 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक की गहराई होती है। ठीक, और जो गहन सागरी मैदान होते हैं ये बहुत गहरे होते हैं। ठीक है, गहरे कितने होते हैं? 2000 किलोमीटर से भी अधिक। बस समझ आ रही नहीं? 200 किलोमीटर से अधिक। ठीक ना, तो ये बात आपको क्या रखना है, 2000 मीटर है ये। ठीक, तो ये चीज़ें आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक ना, अब आइए आगे देखते हैं। उसके बाद गहन सागरी मैदान और फिर गहन सागरी गर्त आते हैं। ठीक, अब बात ये होती है कि किस महासागर में, क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, किस महासागर में कितना महाद्वीपीय मग्न तट है, किस महासागर में कितना महाद्वीपीय मग्न तट है, और किस महासागर में किस प्रकार का गर्त है, और कौन सा कटक है। बात समझ आ रही कि नहीं? क्लियर हुआ इतना? देखते हैं कि महासागरों के अनुसार महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहन सागरी मैदान और गर्तों की क्या स्थिति है। ठीक ना, तो जितने भी महासागर पाए जाते हैं, ठीक है, जितने भी महासागर हैं सभी महासागरों में जो मग्न तट हैं वह केवल 8.6% है। ठीक है, सबसे ज़्यादा विस्तृत पैमाने पर मग्न तट पाया जाता है 13% अटलांटिक महासागर में, 5.7% प्रशांत महासागर में, और 4.2% हिंद महासागर में। ठीक है, अगर हिंद महासागर में पूछा जाएगा कि महाद्वीपीय मग्न तट कितने परसेंट पर है तो 4.2% पर है। सबसे ज़्यादा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर में है। ठीक ना, उसके बाद महाद्वीपीय मग्न ढाल कुल समुद्री क्षेत्रफल का 8.5% है। क्लियर, 8.5% है, जिसमें से सबसे ज़्यादा मग्न ढाल किस में है? अटलांटिक महासागर में 12% पर, प्रशांत महासागर में 7% पर, हिंद महासागर में 6.5% पर। क्लियर, अब बात करते हैं गहन सागरी मैदानों की। तो ये सबसे ज़्यादा हैं, सभी महासागरों में सबसे ज़्यादा विस्तृत कौन है? सागरों के तली पर गहन सागरी मैदान ही हैं, 75.9% हैं। ठीक ना, और गहन सागरी मैदान सबसे ज़्यादा किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है, 80.3% क्षेत्रफल पर। मतलब प्रशांत महासागर का 80.3% इलाका ही कौन सा है? गहन सागरी मैदानों का है। हिंद महासागर में 80.1 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन उठता है और कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है, दोनों 80 हैं लेकिन सबसे ज़्यादा कौन है? प्रशांत महासागर 80.3 और यह 80.1 है। ठीक ना, और उसके बाद अटलांटिक महासागर में केवल 55% भाग पर क्या है? गहन सागरी मैदान है। ठीक, गहन सागरी मैदानों की अगर हम ग्लोब पर स्थिति देखेंगे तो ग्लोब पर जो गहन सागरी मैदानों की जो स्थिति है वह 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री साउथ तक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर ग्लोब बनाएं, ठीक है, तो यह 20 डिग्री नॉर्थ हो गया, यहाँ से लेकर के 60 डिग्री साउथ तक ही क्या पाए जाते हैं? गहन सागरी मैदानों का विस्तार पाया जाता है। ठीक ना, अगर हम ये कहें कि बताइए उत्तरी गोलार्ध में कौन सा अक्षांश है जहाँ गहन सागरी मैदान पाए ही नहीं जाते, तो उत्तरी गोलार्ध में 60 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री तक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ गहन सागरी मैदान समुद्रों में है ही नहीं। ठीक है, वहाँ बस ढाल तक ही सीमित हैं। ठीक ना, अब बात करते हैं महासागरी गर्त की। तो महासागरी गर्त कुल मिला करके कितने परसेंट हैं?
7% है, ठीक ना। अब तक कुल 57 महासागरी गर्तों की खोज की जा चुकी है, जिसमें सबसे गहरा है क्या, चैलेंजर अभियान, तो उसको चैलेंजर गर्त या मेरियाना ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर में गर्त हैं 32, अटलांटिक महासागर में 19 गर्त हैं और हिंद महासागर में सबसे कम गर्त हैं 6, ठीक है। तो इस बात को क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, क्लियर हुआ। अगर हम गर्तों की बात करेंगे तो प्रशांत महासागर में जो गर्त हैं वो है मेरियाना गर्त, टोंगा गर्त, कर्माडेक गर्त, ठीक है, टोंगा हो गया, क्यूराइल गर्त, फिलिपाइन गर्त और रिक्यू गर्त। ये सब गर्त क्या हैं, प्रशांत महासागर के गर्त हैं, ठीक ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अटलांटिक महासागर के गर्तों की, तो नेरेस गर्त, प्यूटोरिको गर्त, रोमशे या रोमांस गर्त भी इसको बोलते हैं, बुचायन गर्त और मोसले गर्त। हिंद महासागर में बस एकमात्र गर्त जो फेमस है वो है सुंडा गर्त, जावा के पास में, ठीक है, जहाँ सुंडा जल संधि है। क्या चीज़, प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा 32 गर्त हैं। हाँ भाई, तो दो बार लिखा गया है, क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कटक की, ठीक है। तो कुछ प्रमुख कटक हैं, सबसे पहले आप हिंद महासागर के कटक देख लीजिए, ठीक है। तो एक वर्ल्ड मैप बनाते हैं जल्दी से और उसके बाद बताते हैं, ठीक ना। ठीक है, यहाँ से बताते हैं, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे जो कटक है, ठीक है, प्रशांत महासागर में अल्बाट्रस, अल्बाट्रस जो कटक मुख्य है, और पूर्वी प्रशांत कटक भी इसको बोला जाता है। तो याद रखेंगे, प्रशांत महासागर का रिज है, कटक है, जो मुख्य कटक है, ठीक ना। मुख्य कटक आपका यस आकार में अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। जो ग्रीनलैंड के पास, यहाँ ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के पास इसका जो विस्तारित भाग है इसको टेलीग्राफ पठार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आता है कि किस महासागर में है, तो टेलीग्राफ पठार है, ठीक है, ये समुद्र में डूबा हुआ है अटलांटिक महासागर में, ठीक है। जो दक्षिण का इलाका है इसको चैलेंजर उभार कहते हैं, चैलेंजर उभार कहते हैं। और जो भूमध्य सागर के पास ये वाला इलाका है इसको कहते हैं डॉल्फिन उभार, डॉल्फिन उभार। तो आप इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे, ये कटक के नाम हैं। कोई दिक्कत, एक बार सुन लीजिए, चैलेंजर उभार जो अटलांटिक महासागर का एक ही कटक है जो चारों तरफ कई शाखाओं में बटा हुआ है, दक्षिण में चैलेंजर उभार, भूमध्य रेखा के पास उत्तर में डॉल्फिन उभार, और ग्रीनलैंड के पास इसी को टेलीग्राफ पठार कहते हैं, ठीक। भारत, अगर हिंद महासागर की बात करेंगे तो भारत में ये जो है कि लक्कादीप चौगोस, क्या नाम है, लक्कादीप चौगोस के नाम से है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक ना। और इसको कहते क्या हैं, जो बीचों बीच ये पूरा आया है इसका नाम है मिड अटलांटिक कटक, जो बीचों बीच आया है इसका नाम क्या है, मिड अटलांटिक कटक है, ठीक ना। तो इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई महासागरीय नितल के उच्चावच से संबंधित, ठीक। इससे बाहर आपसे क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछा जाएगा, सारी चीज़ों को हमने आपको क्या किया है, बता दिया है, ठीक। अब आगे हम लोग देखेंगे महासागरों का तापमान, ठीक ना, कि किस महासागर में किस प्रकार का तापमान किस तरीके से पाया जाता है, ठीक है।